तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फार्मिंग सिम्युलेटर 20 के लैग प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए अपने मोबाइल के अंदर। बिल्कुल इजीली वर्क करने वाली ट्रिक है, आपने इसे जरूर फॉलो कर लेना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने किस तरह से इसके लैग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो काफी लोग कह रहे थे यार हमारे में नहीं हो रही, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि कौन सी सेटिंग्स आपने करनी है इसकी। तो जहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सी वेबसाइट है वो भी आपको मैं अभी इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो भाई इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको भाई फ़ायदा हो कुछ देखने का। तो आप लोग वीडियो गौर से नहीं देखते हो इसलिए आपके मोबाइल में ये गेम वर्क नहीं कर रही होती, तो वर्क करेगी आप आपके मोबाइल में अगर आपका मोबाइल 1 GB रैम वाला तब भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग्स को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपका यहाँ पर जो टाइम वाला सेक्शन है वो अगर 45 पे है ना, तो आपने इसे करना है रियल टाइम पे, ठीक है। रियल टाइम पे करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वेदर है ना वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब मैं आपको उसके बाद बताऊँ तो बाकी चीज़ें हमारे काम की तो नहीं है, बाकी मैं इन पर भी आपको बता दूँ कि क्या करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स का सेटिंग मिल रहा है ये वाला ग्राफिक्स है, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो ये लो पे हुए हुए हैं पहले से ही। तो अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करते हैं अगली लाइन में, इस पे रखते हैं, ठीक है, मीडियम के क्या इसके पे लिखा हो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ तो अब इसके ग्राफिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई हैं, ठीक है। अभी ये जो आपके सामने ग्राफिक्स आ गए ना, अब ये थोड़ी सी यहाँ पर ईजिली वर्क हो रही है, ठीक है, ये वर्क हो रही है ईजिली। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस पे जाते हो कि आपकी ये गेम ऐसे स्पीड में वर्क करे तो वो भी मैं आपको बता दूँ किस तरह से करेगी, ठीक है। अब फिर मैंने 3 लाइंस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं सेटिंग में चला गया। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैंने फिर इस पे किया, अब ये हैवी पे यानी कि अल्ट्रा हैवी ग्राफिक्स हो गए इसके। मैं बैक जाता हूँ, अभी बैक जाने के बाद अब आप इस लोग इसके ग्राफिक्स देखें, ठीक है। अब आप लोगों को पता नहीं कितना इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे इसमें पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, तो वो गेम उससे ज़्यादा लैग करने लग गया, ठीक है। अगर आपने ना इस गेम का, आपको मैं एक और बात ज़्यादा ज़रूरी जो बात है करने वाली बात वो ये है कि आपने इस गेम का अगर लाइसेंस लिया हुआ यानी कि इसे बाय किया हुआ है ना, तो आपके मोबाइल में कभी भी लैग नहीं होगी, ठीक है, अगर आपने इसका बाय किया हुआ है तो। अगर आपने इसे बाय नहीं किया, मॉड डाउनलोड किया हो, तो उसमें यार लैग ज़रूर करती है, हैवी पे हो जिस पे भी हो, ठीक है, इसलिए लैग करती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मोबाइल में मॉड वाली गेम लैग ना करे, तो आपने क्या करना है, आपने 3 लाइंस पर क्लिक करा, सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना यहाँ लो पे इसे क्लिक कर देना, ठीक है। बाकी आपका सिस्टम सारा ओके है, कुछ भी इसे नहीं करना, ठीक है। बाकी आपने अगर कुछ और सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा ये अब जो टॉपिक है हमारा है वो ग्राफिक्स के ऊपर है, तो अब मैं बैक जाता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। तो यार कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, बाकी सब चीज़ मूव होगी अच्छे तरीके से, लैग नहीं होगी, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि लो पे लैग नहीं होती। अगर आपके मोबाइल में लैग हो रही है तो आप चेक करें आपके ग्राफिक्स कहाँ सेट है। अगर आपने बाय की हुई है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसे सेटिंग को कुछ कम करें या ज़्यादा करें। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग अगर बाय कर सकते हैं तो बाय कर लें, वरना मॉड वाला जो है ना लो में खेलें, ठीक है। तो भाई मैंने कभी भी नहीं बाय की, ऐसे आपको कहूँ तो मैंने बाय कभी भी नहीं की, उसके बाद भी ये यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में खेलता हूँ तो लो पे अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतना बुरा भी नहीं होता। तो फ्री में खेलनी है, थोड़ी सी तंगी तो होगी ना, अगर बाय करनी है तो भी मौज से खेलो अच्छी तरह से, आपने इसको एडजस्टमेंट मोबाइल में हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, इसका लाइक है मैं 50 लाइक का, अगर आप लोग लाइक करवा देते हो कंप्लीट तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग आएगी। तो वैसे भी अगर आपने फार्मिंग सिम्युलेटर 20 लाइट खेलनी है तो वो भी इसी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन पे काफ़ी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो डाउनलोड मॉड करना है तो वो भी मुझे बता दे। और इसका जो वेबसाइट का मैं बताया था, वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में आ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।